काठगोदाम के प्रतापगढ़ी क्षेत्र में पहुंचे कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सक्रिय महिला कांग्रेसी नेत्री मंजू देवी को एससी विभाग का हल्द्वानी नगर उपाध्यक्ष मनोनीत किया। इस दौरान उन्होंने एससी विभाग के नैनीताल जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने मनोनयन पत्र भी सौंपा। इंद्रपाल आर्य ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों को फतेह करना कांग्रेस का पहला मकसद है और इसी क्रम में एससी विभाग को भी मजबूत किया जा रहा है, जिसमें सदस्यता अभियान चलाकर नए सदस्यों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंजू देवी एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जिन्हें इस अहम दायित्व से नवाजा गया है और उम्मीद भी की गई है कि उनके कुशल नेतृत्व में प्रतापगढ़ी क्षेत्र में कांग्रेस एससी विभाग और मजबूत के साथ काम करेगा। वहीं मंजू देवी ने भी अपने उच्च पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें जो अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उसका वह पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। इधर कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 2022 का मिशन तो हम फतेह करेंगे ही, साथ ही 2024 में भी केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी कांग्रेसी एकजुट होकर काम करेंगे। हम लोग जो हैं इस वक्त जो अनुसूचित जाति विभाग है, ये घर घर जा करके एक गोष्ठी, छोटी छोटी गोष्ठियाँ कर रहे हैं और गोष्ठी के माध्यम से इस सरकार की जो अनुसूचित जाति के लिए जो कुठाराघात किया जा रहा है, रिजर्वेशन पे भी और जो उत्पीड़न किया जा रहा है इस जाति के लोगों पर, उसके प्रति हम लोगों को समझा रहे हैं इस तरीके से हमारे संग किया जा रहा है। इसलिए ऐसी सरकार को जो है हमें फेंकना है यहाँ से, उत्तराखंड से और केंद्र से भी। 2024 का भी हमारा मिशन है ये, 2022 का ही नहीं। देखिए, आज मैं काठगोदाम ये प्रतापगढ़ी में आया हूँ। ये मंजू आर्य जी हैं जिनको महान नगर का उपाध्यक्ष नियुक्त पत्र दिया गया है, मनोनीत कर रखा है। आज इनके प्रागण में सभी उपस्थित सभी लोग आए हुए हैं। हम एकजुटता के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और कई महिला भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में हमारे रामनगर से भी आई हैं महिलाएं, जिनका नाम है और ममता जी हैं। ये सभी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं। आज एक यहाँ कार्यक्रम का विस्तार भी हो रहा है और आने वाले जो 2022 में जो सरकार है, इस सरकार को जो लाने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। उसी जाति का आनंद हो रहा है और छात्रवृत्ति के लेके और कई दलित उत्पीड़न को जो मामले जब लगातार इस सरकार में बढ़ रहे हैं, इस सरकार के विरोध में हम लोग लगातार अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं और एकजुटता के साथ हर किसी को घर घर जा करके हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, एकजुटता के साथ कांग्रेस 2022 में आएगी।